ये 1500 शेयर हैं 337 रुपए के भाव पर। अडानी पावर आदित्य, हमने देखा था कि ये शेयर बहुत तेजी से चला था, फिर इसने अपनी थोड़ी तेजी गंवाई, इनके भाव से अभी 15-20 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं और क्या सलाह देंगे आप? जी अभिषेक जी, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर जरूर है स्टॉक में, और जो डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग हमें स्टॉक में देखने मिल रहा है वो कंटिन्यू हो सकता है। नीचे 315 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस लगा के रखने की सलाह दूंगा मैं, क्योंकि तो अगर वो ब्रेक होता है तो साइजेबल डाउनसाइड हमें स्टॉक में देखने मिलेगा। फिर शायद 290 285 तक स्टॉक घिसक के नीचे आ जाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा जो वीकनेस है वो कंटिन्यू करेगा। फिलहाल के लिए 315 का स्टॉप लॉस लगा के रखे वो सही लेवल है। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको अदानी पावर में दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और एक और स्टॉक पर सवाल ले लेते हैं। हमारे पास सचिन चौहान जी का सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए। रतन इंडिया इंफ्रा पर सवाल है इनका। एक बार इस स्टॉक के लेवल आपको बता देते हैं। रतन इंडिया पावर इस वक्त हम देखें तो 48 के आसपास कारोबार कर रहा है, और इनका जो खरीद भाव है वो 45 के आसपास का है। आदित्य, आप ही सजेस्ट करिए, हल्के मुनाफे में है ये, क्या करना चाहिए, इनको बने रहें या फिर निकल जाएं स्टॉक से? जी बहुत साइडवेज चल रहा है स्टॉक फिलहाल, तो नीचे में 45 का सपोर्ट है और ऊपर में 52 का एक रेजिस्टेंस है। तो जो साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद अगर स्टॉक 52 के ऊपर ट्रेड करे कंटिन्यूअसली तो मे बी एक अप मूव आएगा। बने रहे अभी मैं निकलने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद एक अपवर्ड मोमेंटम शायद आ जाए। लिक्विडिटी थोड़ा कम रहता है स्टॉक में, वो एक ओवरहैंग है। 45 का स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे और फिलहाल के लिए बने रहे ट्रेड में। अगर 52 निकालता है ऊपर तो 58-60 का टारगेट बैठेगा। बहुत ज्यादा मोमेंटम फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोमेंटम रतन इंडिया इंफ्रा में दिखने की उम्मीद नहीं दिख रही है आदित्य को। अहमदाबाद से हर्ष हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हर्ष जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? हेलो। जी सर, अपना सवाल पूछिए आप। हाँ जी, मेरे पास गल्फ ऑयल के 50 शेयर है 600 रुपए के भाव से। पुरानी खरीद है आपकी सर ये? हाँ, पुरानी खरीदी है। तो क्या अभी हम रखे उसे या फिर थोड़ा उसमें भी इन्वेस्ट करके थोड़ा हमारा प्राइस डाउन करे? ठीक है, गल्फ ऑयल एक टाइम पे ये शेयर 1000 रुपये से ऊपर का हुआ करता था, फिर स्लिप करते करते देखिए अब ये 350 रुपये के आसपास का शेयर है ये गल्फ ऑयल। आशीष जी आप क्या सुझाव देंगे, यहाँ से भी अभी नीचे ये शेयर जाएगा या फिर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से क्रूड प्राइसेस में नरमी आ गई है, $76 के आसपास के भाव आ गए हैं, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा उसे अब? मेरी सलाह रहेगी अभी थोड़ा सा आप इंतजार करें, क्योंकि जैसा आप कह रहे थे कि क्रूड ऑयल के दामों में थोड़ी कमी आई है, तो इन कंपनियों को फायदा होगा, क्योंकि जब भी क्रूड के प्राइसेस हाई रहते हैं तो सेल पे इफेक्ट आता है। तो जैसे लास्ट हम 2 क्वार्टर का इनके प्रॉफिटेबिलिटी नजर डाली तो कुछ भी ग्रोथ नहीं, जिसके कारण से स्टॉक में हमने गिरावट आते हुए देखी है, और स्टॉक एक बड़ी रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। तो मेरा मानना है यहाँ से 81 रुपए की अपसाइड या जब भी आपको मिले तो स्टॉक में से एक बार निकल जाए, क्योंकि जो स्टॉक में एक बड़ी कोई रैली आएगी या ऐसा कोई अपसाइड लंबी अवधि में आएगा तो ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं आपको दूसरा स्टॉक अभी इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे अभी टाइमिंग के लिए सलाह ओल्ड की है, और जैसा मैंने कहा 50 रुपये ऊपर एक बार निकल जाए और दोबारा से शो पे आए तो हम आपको कुछ दूसरा ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको स्टॉक में दे दी गई है।